स्वागत है आपका हमारे चैनल डी आर एस स्टडी पॉइंट में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग का एक सेशन चलता है ये मेंस लेवल का या फिर वो एग्ज़ाम के रेलेवेंट आप उसको बोल लो, है ना। तो वही क्वेश्चंस का लेवल हम लोग क्या किए हैं फिर आज लेकर आए आप लोगों के लिए। और आज हम देखेंगे एक आपका फ्लोर बेस्ड टाइप का या फिर ईयर बेस्ड उसको बोल लो उसी टाइप का एक पजल है आपका, वो हम लोग आप लोग को क्या कर रहे हैं बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना, क्या बता रहे हैं, क्या होना चाहिए, क्या उसका ट्रिक है, कैसे बता रहे हैं, तो ज़्यादा समझ में आएगा। और वीडियो देखने के बाद लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और ना ही शेयर एंड कमेंट करना, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन क्या लिखा है कि 9 लोग हैं आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, मतलब ए से लेकर आई तक के 9 लोग हैं जो आपका सेम डे है ना, जो आपका क्या है कि सेम डे में जो है वो जन्म लिए हैं 2 फरवरी बट इन डिफरेंट ईयर। कहने का मतलब है कि आपका जो है 9 लोग हैं वो आपका सेम डे एक ही दिन जन्म लिए हैं लेकिन अलग अलग सालों में क्या किए हैं वो जन्म ले रहे हैं, जैसे कि 1962, 1969, 1973, 75 करके 2000 तक में वो जन्म लिए हैं सारे के सारे 9 लोग आपका, ठीक है। चलिए, नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर, मतलब जिस ऑर्डर में आपका दिया गया उस ऑर्डर में नहीं है, मतलब जिस ऑर्डर में आपका ईयर दिया गया है उस ऑर्डर में अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आपका नाम कभी भी उसके साथ सेम ऑर्डर में अरेंज नहीं होगा, कन्फर्म, ठीक है। ईच पर्सन लाइक ए डिफरेंट कलर, और जो अलग अलग जो आपके पर्सन हैं प्रत्येक जो व्यक्ति हैं वो आपका अलग अलग क्या कर रहे हैं, अलग अलग आपका कलर भी पसंद कर रहे हैं, है ना, लेकिन वो भी आपका सेम ऑर्डर में नहीं है। मेक ऑल द एज कैलकुलेशन एज ऑन 2 फरवरी 2019, तो क्या कर रहे हैं 2019 तक जो है इसका एज कैलकुलेशन कर लेना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या यहाँ पे कि ये जो एज है उसका रियल में कब जन्म लिया था ये, ठीक है, इतने लोग जो है। तो पहला यहाँ पे ईयर लिखेंगे, ठीक है, ईयर जो हो जाएगा पहला आपका हो जाएगा 1962 है, 1969 है, 1973 है, ठीक है, 1975 है, 1978 है, 1985 है, 1991 है, 1992 है और फिर आपका 2000 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लोग यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब इनका क्या करना है कि रियल एज निकालना है, पहले तो ईयर है यहाँ पे दिया गया है ना, उसके बाद फिर क्या है आपका इसका रियल एज निकालना पड़ेगा, फिर क्या है कि आपका नाम भी दिया गया है आपका ए से लेके आई तक का, उसके बाद क्या है आपका इसमें कि कलर भी दिया गया, इसमें क्या किया गया है कलर भी दिया गया है, उसको भी हम लोग क्या करेंगे कैटेगरी में क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, एक कैटेगरी में हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पहले लिख लेते हैं उसका एज, यहाँ एज हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा उसका नेम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कलर हो जाएगा, ठीक है, ये हम लोग क्या करेंगे ये यहाँ पे इसको इस सारे को एडजस्ट कर लिए, ठीक है। चलिए, ये आपका हम लोग क्या किए ईयर है यहाँ पे अरेंज कर लिए, एज भी कर लिए यहाँ पे, नेम भी कर लिए और यहाँ पे क्या कर लिए कलर भी कर लिए। इसमें एक नॉट वाला भी जोड़ लेते हैं कि जो जिसके बारे में नॉट कहा गया होगा वो आपका नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अब मेरा जितना भी इंफॉर्मेशन है सबको एक साइड लिख लेंगे। क्वेश्चंस में क्या लिखा गया कि डी वाज 7 ईयर्स एल्डर टू द वन हु लाइक्ड पिंक, मतलब डी जो है आपका 7 साल बड़ा है किससे जो आपका पिंक कलर लाइक कर रहा है। तो हम लोग एक स्टार बनाकर यहाँ लिखेंगे कि डी जो है वो 7 साल बड़ा है किससे जो आपका पिंक लाइक कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा एक पॉइंट मिल गया कि डी जो है वो 7 साल बड़ा है किससे जो आपका पिंक लाइक कर रहा है। दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या है कि 3 पर्सन वेयर बॉन्ड बिटवीन द पर्सन हु लाइक्ड पिंक एंड रेड, कहने का मतलब है कि जो आपका पिंक जो है और रेड लाइक कर रहा है उसके बीच में क्या है 2 लोग बैठे हैं। अगर इसके बारे में श्योर इन्फॉर्मेशन नहीं बताया गया होगा तो हम लोग रेड को ऊपर भी ले सकते हैं और पिंक को नीचे भी ले सकते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर
who like read is equal to the number person born after one who like orange. कहने का मतलब है कि यहाँ रेड के पहले जितने लोग जन्म लिए हैं, ठीक है, उतने ही आपका ऑरेंज के बाद जन्म लेंगे. कंफर्म एक ये भी इन्फॉर्मेशन मिला हमको कि जितने लोग जो है वो आपका रेड के पहले जन्म लिए हैं, उतने ही लोग जो है ऑरेंज के बाद क्या कर रहे हैं, जन्म लेने वाले हैं, बॉर्न करने वाले हैं. बी वॉज बॉर्न इमिडिएटली आफ्टर द वन हु लाइक ऑरेंज, मतलब जो आपका ऑरेंज लाइक करता है उसके ठीक बाद जो है वो मेरा बी जन्म लेता है, ऐसा स्टेटमेंट में बताया गया है. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या है कि फोर पर्सन वेयर बॉर्न बिटवीन बी एंड आई, मतलब आपका चार लोग जो है वो बी और आई के बीच में बैठ रहे हैं. ये भी एक इन्फॉर्मेशन मिला हमको कि बी और आई के बीच में चार लोग बैठ रहे हैं. ठीक है, फिर लिखा है कि ए लाइक ब्लू एंड वाज एल्डर टू द वन हु लाइक रेड बट वाज नॉट एल्डेस्ट, है ना. ए जो है वो लाइक कर रहा है ब्लू और वो रेड वाले के रेड वाले से बड़ा है लेकिन वो सबसे बड़ा नहीं है. तो हम लोग अगर 2 फरवरी, अगर हम लोग 2 फरवरी 2019 से सबका एज कैलकुलेट करेंगे तो एज जो है कुछ इस प्रकार निकल के आने वाला आपको 57, 50, 46, 44, 41, 34, 28, 27 और ये 19 साल निकल के आने वाला. तो इतना सारा आपका एज, इसका रियल एज हो जाएगा, ये आपका रियल एज हो जाएगा आपका, और इतना मेरा इन्फॉर्मेशन दिया गया. तो अब क्या है कि रेड वाला के रेड वाले से बड़ा है आपका ए जो ब्लू कलर लाइक कर रहा है लेकिन वो सबसे बड़ा नहीं है. कहने का मतलब वो 57 है ही नहीं, है ना, ना तो ए और ना ही आपका ब्लू यहाँ पे 57 नहीं है. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ई वॉज बॉर्न इमिडिएटली आफ्टर द वन हु लाइक येलो, मतलब ई जो है वो क्या है, ई जो है वो येलो वाले के ठीक बाद जन्म लेता है. ई जो है वो येलो वाले के ठीक बाद जन्म लेता है. ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है क्या कि एफ वॉज बॉर्न इमिडिएटली बिफोर एच हु लाइक ब्राउन, मतलब एफ जो है वो क्या है, एच के पहले जन्म लेता है, है ना, एच के पहले जन्म लेता है. एच के पहले जन्म लेता है कौन, एफ, और ये लाइक क्या कर रहा है, ब्राउन लाइक कर रहा है. ठीक है, जी लाइक पर्पल एंड वॉज बॉर्न इमिडिएटली बिफोर हु लाइक ग्रीन, कहने का मतलब है कि जी जो है वो आपका पर्पल लाइक कर रहा है और ग्रीन वाले के ठीक पहले आपका बैठा हुआ, ग्रीन वाले के क्या है आपका, ठीक पहले बैठा हुआ है. तो इतना इन्फॉर्मेशन मेरा यहाँ हो गया. अब हम इन सारे इन्फॉर्मेशन को एक साथ क्या करेंगे, टैग कर लेंगे. टैग करने का मतलब क्या, उसमें कोई ना कोई हमको कॉमन टर्म मिलना चाहिए, वो होना चाहिए कॉमन टर्म की. इस कॉमन टर्म से आपका क्या है कि सारा आपका एक ही बार में अरेंज हो जाएगा, ये मतलब कम पॉसिबिलिटी में आपका अरेंज होना चाहिए. तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि डी से 7 साल छोटा है मेरा पिंक वाला, डी से मेरा क्या है 7 साल छोटा है पिंक वाला और पिंक वाले से 7 साल बड़ा है मेरा डी, है ना. तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है इन सारे एज में, हम लोग ये देख लेंगे. ठीक है, तो सारे एज में आपका क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो हम लोग पॉसिबिलिटी अगर यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, पॉसिबिलिटी अगर यहाँ पे देखेंगे तो पहला मेरा पॉसिबिलिटी क्या है डी का, कि ये 57 होगा डी का तो उसका 50 होने वाला है. दूसरा क्या है, ये आपका 41 है तो आपका 34 होने वाला है. तीसरा क्या है, ये आपका 34 होगा तो ये 27 होने वाला है. मतलब मेरा 3 पॉसिबिलिटी है डी के बैठने का. अगर हम डी को बिठाते हैं तो मेरा 3 पॉसिबिलिटी है. इस तीनों पॉसिबिलिटी पर हमको देखना पड़ेगा कि कौन किस पे, है ना, या कौन से बॉक्स पे आपका ये डी आपका अरेंज होगा. तो अगर हम क्या करेंगे कि डी को यहाँ रखेंगे, अगर हम डी को यहाँ रखेंगे कन्फर्म, तो डी से 10 साल छोटा है, कहने का मतलब है ये 50-57 हो गया, सॉरी 7 साल छोटा है ना, तो ये 50-57 हो गया, तो ये कन्फर्म है कि आपका पिंक यहाँ बैठ जाएगा. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो क्वेश्चन है आपका कॉमन टर्म ढूंढना है कि आपका पिंक या फिर डिंग्स डी से या फिर डी से या फिर पिंक से आपका कोई ना कोई कॉमन टर्म, जितना हम लोग इन्फॉर्मेशन लिखे हैं उसमें से सबसे बड़ा इन्फॉर्मेशन पिंक के बारे में या डी के बारे में हमको ढूंढना है. तो यहाँ पिंक हो गया, तो पिंक और रेड के बीच में 3 लोग हैं क्या, 1, 2, 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा
रेड हो जाएगा, और जैसे ही रेड होगा तो जितने रेड के ऊपर होंगे उतने आपका क्या है ऑरेंज के नीचे हो रहे हैं क्या, है ना। तो 1 2 3 4 5 ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर 1 2 3 कर देंगे, या 1 2 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा ऑरेंज हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। और ऑरेंज के आपका ठीक नीचे कौन बैठा हुआ है, ऑरेंज के आपका ठीक नीचे बी बैठा हुआ है, ऐसा करके अगर बी को यहाँ एडजस्ट करेंगे तो फिर बी से कॉमन टर्म है ना, कि बी और आई के बीच में कितने लोग हैं आपका, 4 लोग बैठे हुए हैं, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 लोग ना ऊपर बैठ रहे हैं बी के, बी के ना ऊपर 4 लोग बैठ रहे हैं, ना बी के नीचे 4 लोग बैठ रहे हैं। कहने का मतलब मेरा पहला वाला पॉसिबिलिटी यहीं पे खत्म हो गया, यहीं पे मेरा क्या हुआ, पहला वाला पॉसिबिलिटी मेरा खत्म हो गया, ठीक है। चलिए तो दूसरा मेरा क्या है, दूसरा वाला पॉसिबिलिटी हम लोग देख लेते हैं कि बस थोड़े देर का बात है, ये 41 को अरेंज करेंगे, 41 में अगर डी को अरेंज करेंगे, अगर डी को अरेंज करेंगे तो 34 में आपका क्या हो जाएगा, आपका पिंक हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पिंक होगा 1 2 3 यहाँ पे क्या होने वाला आपका रेड, लेकिन रेड से क्या है कि ए आपका बड़ा है लेकिन सबसे बड़ा नहीं है, याद रखिएगा लिखा गया था क्या इन्फॉर्मेशन में कि ए जो है वो बड़ा है लेकिन सबसे बड़ा क्या है नहीं है, तो ए कभी यहाँ एडजस्ट हो ही नहीं सकता, लेकिन रेड वाले से ऊपर ये भी कन्फर्म है, तो ये भी फिगर आपका गलत हो गया, मतलब दूसरा वाला भी पॉसिबिलिटी क्या हो रहा है आपका गलत हो रहा है। हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट से आए हैं, है ना, गलत हो रहा है कि शॉर्टकट इसलिए आए हैं कि आपका हम लोग पहले ही फाइंड आउट कर लिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है भैया, इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होने का कोई चांसेस नहीं है आपका इस क्वेश्चन में, कि कहीं भी इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाए, तो हम लोग सबसे पहले श्योर कर लेते हैं कि इसका पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है। तो हम लोग 34 पे अगर डी को रखते हैं तो 27 पे हम लोग को क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे पिंक, देखो एक ही बार में एडजस्ट हो जाएगा, कुछ नहीं करना, एकदम कॉमन टर्म ढूंढते चले जाओ, एडजस्ट करते चले जाओ, ठीक है। पिंक यहाँ 1 2 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा रेड, जैसे ही यहाँ रेड, तो रेड वाले के ठीक नीचे बी होगा, और उसके बाद इसके ऊपर जितने लोग हैं रेड के ऊपर उतने ही लोग ऑरेंज के नीचे होने वाले हैं, तो 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आपका ऑरेंज हो जाएगा, और जैसे ही यहाँ ऑरेंज होगा तो ऑरेंज के ठीक नीचे बी आपका बैठेगा ना, तो ऑरेंज के ठीक नीचे, सॉरी वहाँ नहीं होना चाहिए, ऑरेंज के आपका ठीक नीचे बी आपका बैठ रहा है, और जैसे ही बी यहाँ बैठेगा 1 2 3 4 यहाँ क्या हो जाएगा आपका आई हो जाएगा, ठीक है। जब ये आई यहाँ पे कन्फर्म हो जाएगा, अब हमको थोड़ा सा देखना है कि रेड के ऊपर ए होने वाला है लेकिन ए सबसे ऊपर नहीं होगा, तो ए यहाँ बैठेगा क्या, और जैसे ही ए यहाँ आपका बैठेगा तो ब्लू आपका यहाँ बैठ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो मेरा डी और पिंक मेरा इन्फॉर्मेशन खत्म, पिंक रेड मेरा इन्फॉर्मेशन खत्म, रेड ऑरेंज बी मेरा इन्फॉर्मेशन खत्म, बी और आई मेरा इन्फॉर्मेशन खत्म हो गया, ए रेड ब्लू मेरा इन्फॉर्मेशन खत्म हो गया। अब बात आ रहा है यहाँ पे येलो और ए का, मतलब येलो के नीचे जो ई आपका अरेंज होने वाला है और एच जो है एफ ब्राउन आपका अरेंज होने वाला है। अब सिंपल देखो कि मेरे पास अगर येलो यहाँ रहेगा तो यहाँ नहीं होने वाला ई, है ना, येलो यहाँ रहेगा तो यहाँ नहीं होने वाला ई, मेरे पास एक ही श्योर शॉट है यहाँ पे कि येलो यहाँ होगा तो आपका क्या होने वाला है ई आपका यहाँ होने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ही ये हो जाएगा तो एफ आपका यहाँ हो जाएगा, क्योंकि और पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो एच यहाँ होगा, है ना, दो कंसेक्यूटिव प्लेस खाली है, तो एच का क्या हो जाएगा आपका ब्राउन हो जाएगा कन्फर्म। जैसे ही यहाँ ब्राउन हो जाएगा तो जी पर्पल ग्रीन का बस एक ही प्लेस खाली है, ये पर्पल हो जाएगा, ये जी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। बचा आपका क्या, लास्टली क्या बच रहा है, लास्टली ए बी सी, सी सी है आपका, सी बच रहा है, और कलर में आपका क्या बच रहा है, ब्लैक बच रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, अरेंज हो गया, ठीक है, ये आपका अरेंज हो गया, इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगा मेरे हिसाब से। येलो वाला ये भी ख़त्म, एफ ब्राउन ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म। तो कहना ये था कि अगर आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को बनाते हो तो जितना कम से कम पॉसिबिलिटी में हो सके उस कम पॉसिबिलिटी में बनाया करो, है ना। और ये हम आपको जो बताते हैं 20 मिनट में क्वेश्चन, 15 मिनट में या फिर 25 मिनट में, जितने भी मिनट में आपको हम क्वेश्चंस बताते हैं, वो हम आपको समझा रहे हैं, हम एग्ज़ाम्स में नहीं बना रहे। जब आप ये समझ जाओगे, दूसरा टाइप अगर इसी टाइप का बनाओगे क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन अगर आप इसी टाइप का बनाओगे तो वो इससे ज़्यादा स्पीड में बनाओगे, है ना। अगर हम आपको 20 मिनट में बताए हैं तो ये कन्फर्म है कि आप इसको 10 मिनट में सॉल्व करोगे, किसी और क्वेश्चन को दो बार तीन बार बनाओगे तो ये 2 मिनट 1 मिनट पे चला आएगा। तो ये आपका स्पीड चाहिए, ठीक है। यहाँ इस वीडियो से बस आपको समझना है, जहाँ भी प्रॉब्लम हो फिर से बैक करके देख लीजिएगा, फिर से समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए
फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए इज वन ऑफ द हु लाइक ब्लैक एंड ई, मतलब ब्लैक और ई का एज डिफरेंस हमको चाहिए, ब्लैक और ई का जो है एज डिफरेंस चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि 19 साल है और ये 27 साल है, तो देखो एज डिफरेंस कितना होगा मेरा, 8 ईयर होगा, 27 सात और एक आठ, 8 साल हो जाएगा। 6 का आंसर ये हो जाएगा आपका, हु लाइक्स येलो कलर, येलो कलर कौन लाइक कर रहा है, तो येलो आपका बी लाइक कर रहा है। हाउ मेनी पर्सन वे आर बॉर्न बिटवीन एच एंड हु लाइक पिंक, मतलब एच और पिंक के बीच में कितने लोग हैं, तो आपका दो लोग है, आंसर क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज दैट हु लाइक ब्लू बॉर्न, कौन से ईयर में आपका ब्लू जो है वो आपका क्या कर रहा है, बॉर्न कर रहा है, ठीक है। तो ब्लू जो है आपका ये आपका 1973 में आपका वो जन्म ले रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज वेयर यंगर टू द वन हु लाइक येलो, कहने का मतलब है कि हु अमंग द फॉलोइंग वॉज यंगर लिखा है टू द वन हु लाइक येलो, येलो से आपका कौन सा यंगर है, छोटा है, तो आपका ई और सी हो सकता है, पिंक और ब्लैक हो सकता है। देख लो यहाँ पे कौन सा है, सिर्फ आपका सी दिया गया है, आपका ई नहीं है। अगर ई ऑप्शन में रहता तो आपका नीचे वाला आंसर्स भी चेंज रहता, तो आपका ओनली क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस का क्या करना है, बस आपको प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं करना है, बस प्रैक्टिस आप 2 से 3-4 पजल बनाओ मैक्सिमम हो सके, क्योंकि कोई दूसरा काम ही नहीं करना आपको, आपको सिर्फ पढ़ना है, बस पढ़ना है, ये हमेशा याद रखो, बस पढ़ना है और कोई दूसरा काम नहीं करना। दूसरा काम करोगे पढ़ाई छूट जाएगी, पढ़ाई छूट जाएगी फिर फ्यूचर समझ ही रहे हो, बताना कोई ज़रूरत नहीं है। तो खुद पे भरोसा रखो, हार नहीं मानना चाहिए आदमी को, क्वेश्चंस के साथ बने रहो, डियर स्टडी पॉइंट के साथ बने रहो, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, है ना, कमेंट करो। और मैंने कुछ वीडियो पिछले वाले वीडियो में ही मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो के बारे में, है ना, जैसे आपका सिलोजिज्म का कुछ वीडियो था आपका, ओनली फ्यू करके था, बेसिक था आपका। मैथ का भी हम लोग का क्या है कि कुछ चैप्टर वाइज आपका सारा कुछ आ रहा है धीरे धीरे, तो वो आपका धीरे धीरे एक बंडल के रूप में हो जाएगा, बहुत सारा आपका चैप्टर्स हो जाएगा, आप लोग उसको आराम से धीरे धीरे पढ़ते रहना, रिलैक्स फील करना और आराम से पढ़ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, डेली बेस क्वेश्चंस भी आप लोग के पास आ रहा है। तो कहना लास्टली यही था कि आप लोगों से एक लाइक और एक सब्सक्राइब चाहिए, जितने भी लोग देख रहे हैं, ठीक है, चूकना नहीं आप लोग, बस क्वेश्चंस को फॉलो करो, बनाओ, सीखो, नए तरीके सीखो हम लोगों से। हम लोग चैप्टर भी नेक्स्ट बार चैप्टर बहुत जल्द हम लोग का अपलोड हो जाएगा, तो अपलोड होगा तो उसको जाकर देखना, नया ट्रिक आपको नया क्या लगा ये बताना, इसमें भी आपको नया क्या लगा ये आप लोग बताना, ठीक है। तो बने रहो हमारे साथ, थैंक यू।